नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन क्लास नंबर 3 जो HCC एग्जाम 2018 के लिए, तो हम अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको जो सेशन स्टार्ट किया गया वो अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा हरियाणा करंट अफेयर का सेशन है। जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम डाउनलोड करके आप टारगेट विद गोस्वामी सर्च करेंगे तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का PDF मैं वहाँ प्रोवाइड करा सकूँ और आप उससे अपना रिविज़न कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये। हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो 41 देखिए। प्रदेश सरकार क्राइम कंट्रोल करने के लिए कितने नए थाने खोलेगी? तो जो हरियाणा सरकार है वो 31 नए थाने और महिलाओं के लिए अलग से 6 थाने खोलेगी, तो टोटल हैं वो 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? तो प्रदेश का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है वो फतेहाबाद है। फतेहाबाद 1997 में हिसार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 32वें सूर्यकुंड मेले का उद्घाटन कब किया गया? तो 32वें सूर्यकुंड मेले का उद्घाटन है वो 2 फरवरी से 18 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। सूर्यकुंड मेले की शुरुआत है वो 1987 से हुई। इसका निर्माण अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था और अब की बार जो थीम स्टेट था 32वें सूर्यकुंड मेले का वो था उत्तर प्रदेश और पार्टनर कंट्री था किर्गिस्तान। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान रखिए इसको बिल्कुल अच्छे से। 1987 में पहली बार शुरुआत हुई, अब की बार था जो 2018 का वो 32वां सूर्यकुंड मेला था। थीम स्टेट UP, पार्टनर कंट्री किर्गिस्तान। और पहले जो मेला है वो 1 से 15 फरवरी लगता था लेकिन अब की बार है 2 से 18 फरवरी तक लगा, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, रक्षा विश्वविद्यालय है, वो गुरुग्राम बिनोला गुरुग्राम 202 एकड़ में यह विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 34वें खेल मेले का शुभारंभ कहाँ होगा? 34वां खेल मेला है वो यमुनानगर। यमुनानगर उत्तर प्रदेश के बिल्कुल साथ में लगता है, जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है उत्तराखंड से, जो यमुनोत्री से निकलती है और यमुनानगर के ताजेवाला से हमारे यहाँ प्रवेश करती है और ये हमारे पूर्व के क्षेत्र में तो लगातार बहने वाली नदी है। तो 34वें जो खेल मेले का शुभारंभ है वो यमुनानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिसार के किस गांव में 5000 साल पुराने अवशेष मिले हैं? तो कुछ अवशेष मिले हैं, एविडेंस मिले हैं पुराने जो 5000 साल पुराने हैं, तो ये हिसार के मसूदपुर गांव में मिले हैं, मसूदपुर में। आगे देखिए, हरियाणा सरकार दिव्यांगों को कितने फीसदी आरक्षण देगी? हरियाणा सरकार दिव्यांगों को C व D भर्ती में 3% का आरक्षण देगी, 3% की छूट देगी। आगे देखिए, हरियाणा की विभाग की सभी सेवाएं, हरियाणा के किस विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन शुरू होंगी? तो ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो डिपार्टमेंट है, इसकी सभी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के पहले स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारत के पहले स्मार्ट ग्रिड पायलट जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत पानीपत, हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट की गई, जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को।
तो ये इम्पोर्टेंट है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में है वो साक्षी मलिक है, और भारत में है परिणीति चोपड़ा, और सोनीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर है अनु कुमारी, जिसने यूपीएससी में सेकंड रैंक लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश के किस जिले में सेव गर्ल चाइल्ड अभियान की शुरुआत की गई है? प्रदेश के किस जिले में सेव गर्ल चाइल्ड अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये सोनीपत में स्टार्ट की गई है 23 मार्च से। सोनीपत में 23 मार्च से सेव गर्ल चाइल्ड अभियान की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के कितने जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? तो प्रदेश के कितने जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी तर्ज पर 24 घंटे जो बिजली का प्रावधान किया गया है वो कहाँ? पंचकूला, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। और 26 जनवरी को सिरसा को भी जोड़ा गया इसे, तो आप देख सकते हैं कितने हो गए, 5 जिले हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया है? तो 2 अधिकारियों को मिला है, ये अरुण सिंह को और लखविंदर कुमार को। राष्ट्रपति ने पुलिस पदक 2 अधिकारियों को दिया, अरुण सिंह और लखविंदर कुमार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई रेल परियोजनाएं शुरू की गई है? तो गणतंत्रता दिवस पर जो रेल परियोजनाएं हैं वो कितनी स्टार्ट की गई हैं? 7 परियोजना, अलग अलग परियोजनाएं, जो नई परियोजनाएं हैं वो 7 स्टार्ट की गई हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती मंत्री ओपी धनखड़, जो कृषि मंत्री भी हैं भारत के, ने 7 स्टार रेनबो की शुरुआत कहाँ से की? तो रेवाड़ी से। कहाँ से की थी? रेवाड़ी से। 7 स्टार जो रेनबो है जिसमें एक गाँव को स्टार मिलेंगे अलग कलर के, किस किस स्वच्छता से रिलेटेड, हर प्रकार से जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये पंचायत राज मंत्री, जो पंचायत मंत्री हैं ओपी धनखड़, ये साथ साथ कृषि मंत्री भी है और मत्स्य और पशुपालन मंत्री भी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने बहादुरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो जो राज्यपाल थे हरियाणा के, 16वें नंबर के राज्यपाल थे ये कप्तान सिंह सोलंकी, वर्तमान समय में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, तो इन्होंने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के लिए बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया राहुल नोखवाल को। राहुल नोखवाल को इन्होंने बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ साथ दोस्तों बता देता हूँ कि वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं और हरियाणा के 17वें राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के कुलपति किसे बनाया गया? चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति मतलब वाइस चांसलर डॉक्टर राजवीर सोलंकी, डॉक्टर राजवीर सोलंकी को चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय जो है उनके कुलपति बनाए गए। अंत्योदय आहार योजना में कितनी कैंटीन का उद्घाटन हुआ है? अंत्योदय आहार योजना में कितनी कैंटीन का उद्घाटन हुआ है? तो 5 का 10 रुपये में भरपेट खाना के लिए अंत्योदय आहार योजना चलाई गई है, 2 गुरुग्राम, यमुनानगर, फरीदाबाद और हिसार, तो ये टोटल 5 कैंटीन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HAU के मशरूम विभाग के वैज्ञानिकों ने किस मशरूम पर रिसर्च शुरू की है? तो ये शिटाके नाम से एक मशरूम है, तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है क्योंकि एंटी कैंसर गुणों से मुक्त है ये। किसे? एंटी कैंसर गुणों से मुक्त, शिटाके नाम है इसका, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके नाम पर ये विश्वविद्यालय है, और इसके VC हैं वाइस चांसलर वो हैं KP सिंह। सरकार ने दक्षिण हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध की है? तो दक्षिण हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली, ये 417 गांव में 24 घंटे बिजली का प्रावधान किया है सरकार ने। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए। हरियाणा की हैंडबॉल टीम के कप्तान किसे चुना गया? तो हरियाणा की लेडीज, ये जो महिला हैंडबॉल टीम की कप्तान है रितु, क्या नाम है? रितु। इसको भीम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रितु को, तो उनको हैंडबॉल टीम की
कैप्टन बनाए गए। तो ये थे हमारे, हमने अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, 3 तीनों ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और यहीं आपको हर जीएस के वीडियोज़ हैं आपको मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ साथ मेरा एक ऑनलाइन जो बैच है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें सुपर 30 डेज का बैच रहेगा, ये मतलब 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक चलेगा, सुपर 30 डेज बैच है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये आप करेंगे तो आपका एचएस प्री है वो कोई नहीं रोक सकता। ये सारे का सारा जो है वो मैं व्हाट्सअप पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डेली का जो स्टडी में 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीएस के, जैसे एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीए, 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा, वो पॉलिटी, जियोग्राफी, किसी भी चीज़ का हो सकता है। हरियाणा जी के नोट्स, और 6 मंथ से नहीं, आपको लगभग 1 ईयर का, 2017 से 18 तक जो 1 ईयर का लगभग जो आपको आने की संभावना है वो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये मेरा बैच है, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी जानकारी लेना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है, और कॉल करना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप हमारी वेबसाइट www.targetwithgoswami पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, कल हाजिर होते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।